बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैडम, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी देखें चैप्टर नंबर 12, सॉरी 10। थ्योरीज की कंप्लीट हो चुकी है। चार इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेंस कॉम्बिनेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने सॉल्व करने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बुक में दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो काफी बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 12। तो आज हम ये इंशाल्लाह दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली जब आप पास पेपर उठा के देखें तो आपको दिखाई देगा कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर पेपर में अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन नहीं आई हुई तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। A compound microscope has a 12 millimeter focal length. यहाँ मुझे एक डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो चले मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो देखें कल आप पढ़ रहे थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपके पास आई पीस था, अगर आपको याद हो, वो था लार्जर फोकल लेंथ का, और जो ऑब्जेक्ट पीस था वो था स्मॉलर फोकल लेंथ का, अगर आपके जहन में हो तो। ठीक है, लेट सपोज यहाँ मौजूद है फाइनल इमेज, सपोज, ठीक है, और ये मौजूद है आपके पास क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जनाब अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्ट पीस, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पीस है, इसकी फोकल लेंथ आपको क्या दी है बेटा, 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस आपको दी हुई है 12 मिलीमीटर। ठीक है, एंड 75 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ आपको दी हुई है 75। ठीक है, 75 आपको जो फोकल लेंथ दी हुई है, दी हुई है आईपीस की, जिसको हम शो कर रहे हैं किससे, FE से। ठीक है, एंड द टू लेंसेज आर माउंट 200 मिलीमीटर अपार्ट, और ये दो लेंसेज एक दूसरे से 200 मिलीमीटर के फासले पे मौजूद हैं, यानी इन दो लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो आपको दिया हुआ है 200। इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, इसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर टेलीस्कोप टॉपिक होगा तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कह सकते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, और आपको पता होगा ये जो एल होता है ये किसके बराबर होता है, किसी को कुछ याद है, ये बराबर था Q1 प्लस P2 के बराबर था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, या आपके पास ऑब्जेक्ट पीस है या आपके पास आई पीस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, जो आपको दिया गया है कितना, 200 मिलीमीटर। आगे आपसे कह रहा है इफ द फाइनल इमेज इज 225 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, जो फाइनल इमेज बनता है वो 225 मिलीमीटर के फासले पे बनता है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ के आ चुके हैं कि इसमें जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है बेटा वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, इस वजह से जो डी की वैल्यू आपको दी है 225, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस वक्त ये वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस में, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। नेगेटिव वैल्यू इसलिए पुट करेंगे क्योंकि जो इमेज होगा ये आपके पास क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो बेटा पहले तो आप क्वेश्चन को समझें, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा देखें, सवाल में आपसे कह रहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट पीस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दी हुई है 12 मिलीमीटर, और जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो आपको दी गई है 75 मिलीमीटर, और ये दोनों लेंसेज एक दूसरे से 200 मिलीमीटर के फासले पे मौजूद हैं, और जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है आई पीस के बाद वो 225 मिलीमीटर के फासले पे बनता है। ठीक है, तो इसे आप डी भी कह सकते हैं, और इसको आप चाहें तो Q2 भी लिखा जा सकता है, इसको Q2 भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है, Q2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, Q2 भी इसको आप लिख सकते हो। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, आपने M फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप सवाल जल्दी से पढ़ लें, देख लें इसमें क्या गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सवाल क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब बेस्ट वे पता है क्या है? मैं आपको चलिए बेस्ट वे समझा देता हूँ। एम निकालने का बेस्ट वे तो ये है कि एम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैं एक दूसरी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू। आपको याद होगा कल जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो उसमें याद है नेट मैग्निफिकेशन क्या आई थी? एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू, या जिसको आप सिंपली क्या कह सकते थे, आप कह सकते थे एमओ मल्टीप्लाई बाय एम ई, ये भी कह सकते थे। ये फॉर्मूला कल आपने डिस्कस किया था, ठीक है? यानी अगर दो लेंसेज कंबाइन फॉर्म में रखे हुए हो तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, और नेट पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2, बट नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? M1 मल्टीप्लाई बाय M2। और बेटा फिर आपको याद होगा कि M तो ऐसे ही आ गया, M1 क्या हो जाएगा? Q1 / P1। एक मिनट जरा ये बैगर चलेगा। अच्छा बेटा आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेने तो स्क्रीन शॉट ले लें, या कॉपी करने कॉपी कर लें। हाँ बेटा मैं एक चीज बताना भूल गया, एक स्टूडेंट सवाल पूछा है कि यहाँ पे जो यूनिट है इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखिए बेटा सारी यूनिट किसमें, सारी की सारी यूनिट, सारी की सारी जो यूनिट है वो आपके पास किसमें दी गई बेटा? मिलीमीटर में दी गई है, ठीक है? तो इसे आपने मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10^-3 ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है? तो उसको खाली आप लिखेंगे मिलीमीटर में लिख दें, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो डी आपको दिया हुआ है, बल्कि सॉरी डी भी आपको 2 to 5 millimeter दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, ये देखें डी भी 2 to 5 millimeter दिया हुआ है। अच्छा भाई तो मैं बता रहा था एम का फॉर्मूला आएगा Q1/P1 × Q2/P2। यानी अगर आपने नेट मैग्निफिकेशन निकालनी है तो एक तरीका ये है कि आप Q1 निकाल लो, P1 निकाल दो, Q2 निकाल दो, P2 निकाल दो, ये सारी वैल्यूज निकाल दें, आपका आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका क्या है, कल आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला पढ़ा था, उससे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है? तो लेकिन उसमें भी आपको तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हम Q1 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे और P2 निकालेंगे। अब देखो सॉल्व स्टार्ट कहाँ से करें, अगर आप गौर करें तो इन शॉर्ट आपको Q2 दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ ऑफ, एक तो आपको Q2 दिया हुआ है, और जो FE है इस FE को आप F2 भी कह सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को, ठीक है? इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपको F2 भी पता है और आपको Q2 भी पता है, आपको F2 भी पता है और आपको Q2 भी पता है। तो आप F2 Q2 से क्या निकाल लोगे? P2 निकाल लोगे। अब देखें स्टार्ट कहां से करते हैं। हमने लिखा फॉर आईपीस, तो ये जो था ना जिसको हम डी लिख रहे थे उसको हम Q2 भी लिख सकते हैं, उसको हम QE भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्या दिया हुआ है? 2 to 5 millimeter दिया हुआ था। साइन लगा दिया हमने किसकी बेटा? माइनस की साइन क्यों लगाई है? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाला जो फाइनल इमेज होता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है वर्चुअल, ठीक है? देन आपने क्या किया, अब आपको PE निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, 1/FE = 1/PE + 1/QE, 1/FE = 1/PE + 1/QE। FE आपको दिया हुआ है 75, PE की बजाय क्या आएगा? PE आ जाएगा। QE कितना हो जाएगा? माइनस का 2 to 5 हो जाएगा। अब बेटा इस पूरे रख के हमें सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हो, ये माइनस में था इस तरह आके प्लस में आ जाएगा। अब ये बिला वजह इसको ना सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, इन्वर्स मार दीजिएगा, पी आपके पास आ जाएगा 56.25 millimeter। दोबारा देखिएगा, मैं डाटा आपको चेक करवाता हूँ, डाटा में आपको क्या दिया है देखें, ये जो एक्चुअली एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया हुआ था, ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ये कहाँ बनता है? आईपीस से बास बनता है, तो एक्चुअली इसको आप Q2 भी कह सकते हैं और इसको आप FQE भी कह सकते हैं।
आपने क्या किया फॉर आईपीस क्यूई दिया हुआ माइनस का 225 क्वेश्चन में माइनस साइन मौजूद नहीं थी, यहाँ हमने माइनस साइन लगाई है, क्यों लगाई है बात भी आपको पता होनी चाहिए भाई। माइनस साइन हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाला फाइनल इमेज होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, दैट्स वाई आपने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब पी निकाल लें, 1/FE इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE। एफ ई दिया हुआ 75, पी आ गया, क्यू क्या दिया माइनस का 225। इसे आप रख के सॉल्व कर दें, आंसर आएगा 56.25 मिलीमीटर। बेटा ये क्यू अब क्लियर हो गया आपको, पी कैसे निकाला है, बच्चों समझ में आ गया पी कैसे निकाला, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काइंडली मुझे जल्दी चेक बॉक्स में बताते चले गए, देन मैं आगे चलता हूँ उसको ना। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप बेटा चेक कीजिएगा। अब हमने लिखा है किसका फॉर्मूला, लेंथ का, लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, एल क्या होता है, एल बराबर था पी वन प्लस क्यू टू के, ये लेंथ ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है। मगर पी वन क्या था, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम कहेंगे पी ओ। ठीक है, क्यू टू क्या था, ये एक्चुअली आईपीस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू ई बोलेंगे। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये डायग्राम चेक कीजिएगा जरा। एक्चुअली होता है क्यू वन प्लस पी टू, क्यू वन क्या था, ऑब्जेक्ट के लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए था तो ये कहलाएगा क्यू टू, और पी किसके लिए, इमेज के लिए, तो ये कहलाएगा बेटा पी ई। तो लेंथ का फॉर्मूला आएगा एल इक्वल टू क्यू ओ प्लस पी ई, एल बराबर होगा क्यू ओ प्लस पी ई के बराबर, क्योंकि देखो ना ये ऑब्जेक्ट पीस है तो ये इमेज बनता है, यहाँ बनता है क्यू वन, ये क्यू वन कहलाता है, तो इस क्यू वन को हम कह सकते हैं क्यू ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि पी ई कहलाएगा। तो देखिए बेटा एल का फॉर्मूला क्या आ गया, एल का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास क्यू ओ प्लस पीई। तो देखिए यहाँ पे हमने क्यू ओ निकालने की कोशिश की है, कैसे कि पीई प्लस की फॉर्म में था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ ऑफ ट्यूब क्वेश्चन में आपको दी हुई है 200 दी हुई है, सही है। फिर आप क्या करोगे, पी आपको दिया 56.25, इस पूरे को रख के सॉल्व कर दो तो क्यू ओ बराबर आएगा 143.75 मिलीमीटर के। दोबारा देखिएगा, पहले बेटा हमने फाइंड क्या किया, पीई निकाला, पी निकालने के बाद आपको लेंथ ऑफ ट्यूब दी गई थी तो लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया था, पीई प्लस क्यू ओ आ गया था, हमें क्यू ओ फाइंड करना था, पी वहां जाके माइनस हो गया था, लेंथ आपको दी है 200, पी आपको दिया 56.25, इस पूरे को आपने सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 143.75 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, क्यू ओ आपको पता है और सवाल के स्टार्ट में आपको एफ ओ भी गिवन किया था, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ये देखो एफ ओ दिया हुआ था, एफ ओ दिया हुआ था, और यहाँ हमने अभी क्या निकाला है, यहाँ हमने निकाला है अभी क्यू ओ, तो इसका मतलब है अब हम आसानी पी ओ निकाल सकते हैं, क्यू ओ दिया है 143.75, पी ओ हमने निकालना है, सेम फॉर्मूला 1/FO इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO, एफ ओ आपको दिया बेटा 12, पी ओ हमने फाइंड करना है, क्यू आपको दिया 143.75। अब यहाँ पे बिलाव इतनी लंबी कैलकुलेशन की हुई है, इसको आप छोड़ दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो बेटा पी ओ बराबर आएगा 13.09 मिलीमीटर के। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, मैंने आपसे कहा था सवाल में आपने तमाम चीजें निकालनी है, तो ये एम वन मतलब एम टू के फॉर्म में लिखा हुआ था, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्मूला चेंज करता हूँ, एम इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई बाय एम ई की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, एम ओ मतलब एम ई की फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, एम ओ क्या था, एम ओ क्या कहलाएगा, क्यू वन अपॉन पी वन होता है, तो ये क्यू ओ ओवर पी ओ आ जाएगा, और एम ई क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, क्यू ई अपॉन पी ई आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज क्या गिवन है, ये देखें, QE आपको दिया 225,
मैग्निफिकेशन माइनस में नहीं होती, मैग्निफिकेशन क्यू के माइनस में नहीं होती, तो इसलिए आप क्यू ई क्या पुट करेंगे, टू टू फाइव पुट करेंगे, टू टू फाइव पुट करेंगे, माइनस में पुट नहीं करेंगे। पीई कितना दिया हुआ है, 56.25 मल्टीप्लाई बाय क्यू ओ, आपने क्या निकाला था, 143.75, ठीक है। इसके बाद आपके पास पीओ क्या था, 13.09। इसकी बेटा जरा कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब ये बिना इतना लंबा मेथड किया मैं आपको इससे कराना नहीं चाह रहा, डायरेक्ट आंसर आएगा 44। इसको आप इस मेथड से कर लें, डायरेक्ट एन कितना आएगा, 44 आ जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन 44 टाइम्स बढ़ जाएगी, मैग्निफिकेशन 44 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन देखें और मुझे बताएं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा बेटा देखें, कह रही लास्ट रिपीट करते हैं, एम का फॉर्मूला था एम ओ मल्टीप्लाई बाय एम ई था, एम हो जाएगा क्यू ओ अपॉन पी ओ और एम ई हो जाएगा क्यू ई अपॉन पी ई। ये चारों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इन्हें बस यहाँ पे पुट कीजिएगा। मैंने कहा था जो क्यू ई आपको माइनस टू टू फाइव दिया हुआ है, माइनस में पुट नहीं करेंगे, मैग्निफिकेशन कभी माइनस में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 44, यानी ये जो आपके पास इमेज बनेगा इसकी मैग्निफिकेशन 44 टाइम्स बढ़ जाएगी। अच्छा बेटा अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक क्वेश्चन और देख लें, जिन बच्चों का भी अगर क्लियर नहीं है तो इस सवाल के बाद आपको इंशाल्लाह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिनको क्लियर है उनका टॉपिक और ज़्यादा इंशाल्लाह पक्का है, मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अच्छा दोनों सवाल 9 और 12 बुक के क्वेश्चन है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज इन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस आपको दी हुई है, सॉरी 100 मिलीमीटर दी हुई, 10 दी हुई, ठीक है यहाँ मिस्टेक है बेटा, ये फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 10 दी हुई। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर एंड ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, ट्यूब जो है लेंथ ऑफ ट्यूब यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट पीस एंड इमेज पीस, बेटा ऑनलाइन हो गया यार, अच्छा पांच फिर, अच्छा बेटा लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 100 मिलीमीटर एंड इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस, फाइनल इमेज जिसको आप डी भी कह रहे थे और याद होगा इसको हम क्यू ई भी कहते थे, ठीक है क्यू ई भी कहते थे, तो ये कितना है 250 मिलीमीटर दिया हुआ है, बट आपको याद होगा इसे हम किस में रखते थे, माइनस में रखते थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाला फाइनल इमेज हमेशा ऑलवेज क्या होगा बेटा, माइनस में ही होगा, वर्चुअल इमेज होता है, तो सवाल में वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव दी हुई है तो आप उसको पुट करेंगे हमेशा माइनस में, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा अब इस सवाल में छोटा सा चेंज है, वो क्या है जरा सुनिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव है
आपने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से 12 मिलीमीटर के फासले पर रखा है। मैं एक्चुअली काम करता हूँ, ये डायग्राम आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन किसी हद तक क्लियर हो जाए। बेहतर ये कि आप डायग्राम प्लॉट कर लो तो बेटा अच्छा हो जाता है, ये हो जाएगा सवाल में मिस्टेक नहीं करेंगे आप। देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज 100 मिलीमीटर दिया होता, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस आपको दी हुई है 10, और मजे की बात है इस बार उसने आपको एफ ई गिवन नहीं किया, और क्यू ई उसने आपको दिया हुआ था। क्यू ई क्या दिया हुआ बेटा, माइनस का 250, ये आपको दिया हुआ एल, ये आपको दिया एफ ओ, और ये क्या था पी ओ, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ना, वो आपको दिया हुआ है 12। अब जरा क्वेश्चन सुनना, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ आपको दिया 10 मिलीमीटर, एंड अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी एल आपको दिया हुआ 100 मिलीमीटर, एन इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस, इमेज बनता है 250 मिलीमीटर आईपीस से, तो क्यू ही आपको दिया हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट टिप से ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर के फासले पे, तो बेटा ये आपको पी ओ दिया हुआ। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो आप समझ तो गए होंगे, सेम मेथड m इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी के आपको क्यू ओ पी ओ क्यू ई और पी ई फाइंड करना है। अब जरा बेटा डाटा चेक करो और मुझे बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे, और करें आपको एफ ओ दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है पीओ दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है और पीओ दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है पीओ दिया हुआ है, तो उसका मतलब है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा क्यू ओ, पहले हम क्यू ओ फाइंड करेंगे। सवाल पे आते हैं, देखें मैग्निफिकेशन निकालनी है, पहले हम क्यू ओ निकालेंगे, वन अपॉन एफ ओ इक्वल टू वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन क्यू ओ। एफ ओ आपको दिया बेटा 10, पी ओ आपको दिया हुआ है 12, क्यू ओ आपने फाइंड करना है। अब ये प्लस में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इस पूरे को रख के सॉल्व कर लें, क्यू ओ बराबर आएगा 60 मिलीमीटर, क्यू ओ कितना आ जाएगा 60 मिलीमीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेथड है बेटा जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आज आपने काम करना है कि अभी थोड़ी देर बाद नमाज के बाद आपने ये न्यूमेरिकल निकाल के दोनों को सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आ जाए तो मैं उस वक्त तक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँगा, उसकी दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब क्यू ओ निकालने के बाद हमने लिखा फॉर्मूला किसका, लेंथ का, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला याद है ना, क्या पढ़ा था हमने, क्यू ओ प्लस पी ई, क्यू ओ प्लस पी ई, ये आपके जहन में होना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्यूब मैं पिछले सवाल में दिखाया था आपको, ये देखें लेंथ ऑफ ट्यूब एल इक्वल टू क्यू ओ प्लस पी ई का फॉर्मूला था, सही है, क्यू ओ प्लस पी लिखा हुआ। तो अब हमने क्या किया बेटा, वापिस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, लेंथ का फॉर्मूला लिखा, लेंथ इक्वल क्यू ओ प्लस पी ई। अब यहां से बेटा मैं क्या निकालू, यहां से मैं निकालूंगा पी ई, वजह लेंथ मुझे पता है और क्यू ओ मुझे पता है, तो हमें पी ई निकालना है, क्यू ओ प्लस में था, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। लेंथ आपको दी हुई 100, क्यू आपको दिया 60, रख के सॉल्व कर लो, पी ई बराबर आएगा 40 मिलीमीटर, पी कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 40 मिलीमीटर आ जाएगा, सही है। जब आपने पी ई निकाल लिया, अब आप निकाल लें क्या चीज, एफ ई। वैसे अब मैं आपको बताऊं, आपको वैसे एफ ई की जरूरत है नहीं, एफ ई ना भी निकालें तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एम इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई बाय एम ई, ये फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया था, तो एम इक्वल टू एम ओ, एम ओ बेटा क्या हो जाएगा, एम ओ था आपके पास क्यू ओ ओवर पी ओ, इसी तरीके से बेटा एम ई क्या हो जाएगा, क्यू ई ओवर पी ई, पी बन जाएगा, सही है। अब मैं कलर चेंज कर लूँगा जरा, अब जरा देखें क्यू ओ बेटा क्या दिया हुआ है, क्यू ओ यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने 60 आ गया, अच्छा पी ई लिखा हुआ है पी ई 40, पी क्या लिखा बेटा आपके पास 40 लिखा हुआ, ठीक है। क्यू ई अब जरा चेक कर लो, क्यू ई
और पीओ, अच्छा पीओ और पीओ दिया हुआ है 12 और क्यू दिया हुआ है 250, 12 और 250, या को दिया हुआ है 12 और या को दिया हुआ है 250। जो मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उससे बड़ा फायदा है, आप बगैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट निकल सकता है, मैंने मेथड लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट टेक्निक है और नंबर नहीं करते आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रख के बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप रख के सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 31.25, 31.25। और बेटा आपको याद होगा मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशियो है। ठीक है, तो बेटा दोबारा सुनिएगा, देखें आपके पास ना फॉर्मूला था, ये अगर आपको याद हो एमओ मतलब है एमई, तो उसमें आप पुट करते थे एमओ के बजाय, याद है क्यू अपॉन पी ब्रैकेट 1+D/F, ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। तो मैं बजाय इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के, हम ये डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात वही पड़ती है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि एम इक्वल टू एमओ मतलब है एमई, एमओ क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी हो जाएगा बेटा, और एमई क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो जब मैगज स्टार्ट करें तो बस आपको चार चीजें चाहिए, जब ये चार चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप बासानी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप बेटा ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको देख लें, काइंडली चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दें सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, गुड। अच्छा बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे हमारा बेटा वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल मैं कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जब देखें कल मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। ठीक है, आज बेटा लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ वाइंड अप करूँगा।